भायंदर पूर्व में भतीजे द्वारा अपनी चाची की हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल नवघर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। बता दें कि भायंदर पूर्व के क्विंस एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाली 31 वर्षीय महिला शबाना खान पर उसके 20 वर्षीय भतीजे दिशान खान ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार कल दोपहर करीब 2 बजे मृतक शबाना के 11 वर्षीय बेटे और आरोपी दिशान खान के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान शबाना झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच में आई। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से शबाना के गले और शरीर पर चाकू से हमला कर अपनी चाची की हत्या कर दी। हत्याकांड के दौरान शबाना का 11 साल के बेटा डर कर बाथरूम में छुप गया था। दोनों में झगड़ा क्यों हुआ और आरोपी ने अपनी चाची को क्यों मारा गया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी। दोपहर 1:30 या 2 बजे के दरमियान क्वींस पार्क, ये जो नवघर का एक एरिया है, वहाँ पे मर्डर की वारदात हमारे पुलिस स्टेशन को ये इन्फॉर्मेशन मिली। हमारी पुलिस वहाँ पे तत्काल पहुँचे। उस समय जो महिला जख्मी थी उनको हॉस्पिटलाइज किया था। हॉस्पिटलाइज डॉक्टर ने बताया कि वो ब्रॉड डेड है। तभी हमारे पुलिस ने जो संशयित आरोप है उसको ताबे में लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन और गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। जो औरत है उनके जो दीर रहते हैं या उनके देवर का वो लड़का है, अभी वो संशयित बोल के हमारे ताबे में है। अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन चालू है, यही इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। आगे जाके इसमें ज्यादा रिवील हो जाएगा। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।